मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस और कमलनाथ पर तंज कसा। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि कांग्रेस में बड़ा बनने की होड़ लगी हुई है। हर कोई अपने आप को कद्दावर नेता बता रहा है, लेकिन कांग्रेसियों की हरकतें तो चुटपुट नेता से भी गई गुजरी है। कोई विधानसभा में झूठ बोलता है तो कोई विधानसभा में नियमावली फाड़ देता है। वहीं सीएम शिवराज ने कमलनाथ को लेकर कहा कि नाथ ने खातेगांव की जनता को नशेड़ी बोलकर उनका अपमान किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ और कांग्रेस पर खूब बरसे। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि कांग्रेस में बड़ा नेता बनने के लिए होड़ लगी हुई है। हर कोई अपने आप को सर्वश्रेष्ठ नेता बता रहा है, लेकिन ये नेता बड़े कैसे बनेंगे, क्योंकि इनकी हरकतें तो छुटपुट नेता से भी गई गुजरी हैं। कोई विधानसभा में झूठ बोलता है और निलंबित हो जाता है, तो कोई विधानसभा में नियमावली फाड़ देता है, कोई दिव्यांग को मारकर बड़ा बनने की कोशिश करता है, तो कोई ऐसे बयान देता है कि मध्य प्रदेश और देश के मुस्लिम की संख्या कम हो रही है। अब बताइए इनमें गुण है बड़ा नेता बनने लायक। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज ने कमलनाथ के खातेगांव में दिए बयान को लेकर कहा, कमलनाथ को यह लगता है कि कहीं वह छोटे न रह जाएं, इसलिए वह जबरदस्ती ऐसी बयानबाजी करते हैं। कमलनाथ खातेगांव में जाकर बयान देते हैं कि खातेगांव के मतदाता नशे में हैं और मतदाताओं के नशे में होने की वजह वह बीजेपी को जिताना बता रहे हैं। क्या ये जनता का अपमान नहीं है? नशे में जनता को कहने वाले क्या खुद वो नशे में नहीं है? अब कांग्रेस में बड़ा नेता बनने के लिए होड़ लगी हुई है, और बड़ा कैसे बने? कोई विधानसभा में झूठ बोलता है और निलंबित हो जाता है, कोई विधानसभा में नियमावली फाड़ देता है और बड़ा बनने की कोशिश करता है, कोई दिव्यांग को मारता है और बड़ा बनने की कोशिश करता है। अच्छा, कोई तो ऐसे बयान देता है कि मध्य प्रदेश में मुस्लिम्स की संख्या देश में कम हो रही है, ये भी बड़ा नेता बनने के लिए कर रहे हैं। और कमलनाथ जी को यह लगता है कि कहीं वो छोटे ना रह जाएं, इसलिए बड़े मियां तो छोटे मियां तो छोटे मियां बड़े मियां सुभान अल्लाह, वो खातेगांव में जाके बयान देते हैं कि खातेगांव के मतदाता नशे में है। और नशे में क्यों बोले? वो लगातार बीजेपी को जिता रहे हैं नशे में, कि ये जनता का अपमान नहीं है, कि ये मतदाताओं का अपमान नहीं है। और नशे में जनता को कहने वाले क्या खुद नशे में नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं? ये जनता के प्रति इनकी सोच है। कांग्रेस की अंतरकलह और गुटबाजी में एक दूसरे को छोटा बनाने के लिए ऊट पटांग बयान देने का अभियान चला हुआ है। प्रदेश की राजनीतिक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।